लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। जे सिमर न्यूज। भारत पाक बॉर्डर पर स्क्रिप्ट ठेकेदार के पास बम गोलों का इतना बड़ा जखीरा देख खुले इनके होश। सेना की इंटेलिजेंस विंग की कार्यवाही जैसलमेर जिले की पोकरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्क्रिप ठेकेदार के कैंप पर सेना की इंटेलिजेंस विंग ने दबिश देकर उसके पास से सैकड़ों की तादाद में तोप के गोलों के खोल और अन्य सामान बरामद किया है। शुरुआत में इस मामले में यह जानकारी सामने आ रही थी कि स्क्रिप ठेकेदार के पास से सेना की इंटेलिजेंस विंग ने जिंदा गोले बरामद किए हैं, लेकिन शाम तक विंग को ठेकेदार के पास जिंदा गोला नहीं मिला था। हालांकि इस संबंध में कार्यवाही लगातार जारी है। स्क्रिप ठेकेदार को अनाधिकृत रूप से ज्यादा गोले दिए जाने की शिकायत पर इंटेलिजेंस टीम की ओर से कार्यवाही की गई। टीएड तोप के गोले। जानकारी के अनुसार सेना की जोधपुर स्थित 19 एफआईडी यूनिट को टीएड तोप के गोले निष्क्रिय करने के बाद स्क्रिप ठेकेदार को देने थे, लेकिन उन्हें बिना जलाए ही ठेकेदार को सौंप दिए जाने की शिकायत इंटेलिजेंस विंग को मिली। बताया जाता है कि ठेकेदार के कैंप में इन गोलों को जलाने की तैयारी की जा रही थी। टीम ने खेतोलाई के समीप समूचे क्षेत्र को सील कर दिया है। इस संबंध में लाठी पुलिस ठेकेदार से पूछताछ कर रही है। इस संबंध में यह तथ्य अब तक निकलकर सामने आया है कि संबंधित ठेकेदार को सभी औपचारिक कार्रवाई किए बिना और तयशुदा संख्या से ज्यादा संख्या में गोले दे दिए गए। सेना के सूत्रों की माने तो यह सुरक्षा में बड़ी चूक है और इससे बड़ा हादसा होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इस मामले में संबंधित सैन्य अधिकारियों की भूमिका को संदिग्ध माना जा रहा है। जीवित बम नहीं मिला। सेना के सूत्रों ने बताया कि स्क्रिप डीलरों के पास फील्ड फायरिंग रेंज में विभिन्न प्रकार के गोला बारूद के खोल पाए गए हैं। इनमें से कोई भी जीवित गोला बारूद नहीं है। गोले राउंड अनफ्यूज किए गए हैं। सूत्रों ने बताया कि इस मामले में स्थानीय अधिकारियों की ओर से जांच चल रही है। सूत्रों के अनुसार की उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेना की ओर से ऐसी जांच नियमित रूप से की जाती है।